गाइस, स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ आर्मोर्ड कोर 6 फायर्स ऑफ रूबिकॉन गेम इन माय लोयल लैपटॉप, जो i3 8th जनरेशन इंटेल 6020 लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ आर्मोर्ड कोर 6 गेम और दिखाऊंगा कि आप लोग मुझे कितना पैसे मिलते हैं इस गेम। एंड गाइस, अगर आपका भी मेरे से सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको कितना पैसे मिलेगा इसको आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा से बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो भी आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, इससे आपको समझ आ जाएगी कि आपके स्पेसिफिकेशन में कितना पैसे मिल सकते हैं इस गेम। तो वीडियो को पूरा देखते हैं ना गाइस, चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप लोगों ने देखा जब गेम एटलीस्ट प्ले हो गया था, मतलब हम लोग प्ले किए थे, कंटिन्यू पे क्लिक किए, मतलब जो न्यू गेम होता है उसमें क्लिक किया और जब गेम पे इंटर किया तभी गेम चलते चलते, मतलब गेम के स्टार्टिंग में ही इंटर करते ही सडनली गेम स्टक हो गया फुल्ली। एंड आप लोगों ने देखा एक नोटिफिकेशन पॉपअप स्क्रीन जैसा आया, पॉपअप स्क्रीन जैसा, तो उस पर लिखा होता है कुछ एरर वगैरह लिखा हुआ था, तो उस पर मैंने ओके किया तो गेम क्रैश हो गया गाइस। तो गाइस बेसिकली ये गेम जो है, मे भी ये जो गेम है हाई स्पेसिफिकेशन के लिए है, मतलब इंटेल एचडी 620 पे ये गेम चल नहीं सकता, एटलीस्ट तो ये मतलब बता सकता हूँ मैं, इंटेल एचडी 620 पे चल नहीं सकता। हो सकता है इंटेल की कोई और ग्राफिक्स में चल सकता है, बट इंटेल एचडी 620 पे तो ये नहीं चला। और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैंने ग्राफिक्स ड्राइवर की भी अपडेट करके देखा, मेरा ग्राफिक्स ड्राइवर एक मतलब वन जनरेशन मतलब पुराना था ग्राफिक्स ड्राइवर जो था, तो मैंने नया डाउनलोड किया न्यू वाला, तो उसमें भी ये गेम सेम प्रॉब्लम दे रहा था। तो बेसिकली ये गेम इंटेलिजेंट सिस्टम में नहीं चलेगा, मैं ये सिंपली ये बोल सकता हूँ। तो वीडियो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर देना और वीडियो के लिए। तो गाइस मिलते हैं वीडियो, तो क्लियर बाय।